free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom of this ache. हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज, आप लोगों ने PS3 शाइन जो SP है वो बहुत देख ली होगी मेरे व्लॉग्स में, और ना जाने मैंने क्या क्या उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई होंडा शाइन SP125 BS6 मॉडल है ये। और चलिए मैं पहले आपको इसकी पूरी एक प्रॉपर लुक दिखा देता हूँ। होंडा की भाई कोई भी बाइक परचेज करनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रिजलेस होंडा आ सकते हैं भाई वाराणसी में, जो भी भाई मेरे भाई हैं। मैं शोरूम की डिटेल्स जो है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 125 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट मैं इसको मानता हूं भाई। और चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर ली जाए। तो फ्रंट में आपको यहां पे आप देख सकते हैं फुल्ली LED सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो लाइट है हेडलाइट फुल्ली LED देखने को मिलता है, जो रात को काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। और इसका जो लुक भी आता है ना वो भी इससे काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। इंडिकेटर्स आपको वहीं पे हेलोजन देखने को मिलते हैं। और भाई लेकिन एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि इंडिकेटर्स की जो वो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी शार्प है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, बहुत अच्छी लगती है ये। और इंडिकेटर जो है वो फ्लेक्सीबल भी और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, तो कभी अगर बाई चांस आपकी बाइक जो क्रैश होती है तो जल्दी आपके इंडिकेटर्स टूटते नहीं हैं। और वहीं अगर नीचे आ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं, जो मैं अभी चलाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसा फीडबैक दे रहे हैं ये इंडियन रोड्स पे। और नीचे आप देख सकते हैं भाई आपको डिस्क वेरिएंट मिल जाता है, ये डिस्क वेरिएंट है, इसमें आपको डिस्क और ड्रम दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है। और टायर्स भाई वहीं पर आपको 80x100 के टायर्स मिल जाते हैं, TVS का टायर यूज़ किया गया है इसमें। और तो भाई दोनों फ्रंट और रियर में आपको 80x100 का टायर मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क और ड्रम ऑप्शनल है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं, उसमें आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई होंडा की आपको जो है वो 3D की लोगो मिल जाती है, और यहाँ पे SP125 की बैजिंग मिल जाती है, स्टिकरिंग है ये। और ये देख सकते हैं ग्राफिक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है भाई। चलिए अब आ जाते हैं इसके टैंक पे। तो भाई इसका टैंक देख सकते हैं कितना यूज और कितना मैसिव लग रहा है भाई 125 सीसी के हिसाब से। और 11 लीटर का आपको टैंक मिलता है इसमें, फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलती है। और अगर इस बाइक की माइलेज की बात की जाए तो 50 to 55 ये आराम से आपको सिटी में दे देती है। थोड़ा सा भी नॉर्मल चलते हैं सिटी में तो भाई आराम से 50 to 55 KMPL की आपको माइलेज दे देगी। तो भाई इस बाइक की आ जाते हैं मीटर की बात कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई इसका मीटर मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस एक चीज़ की शिकायत है, जो इसका मीटर का डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रखा है कंपनी वालों ने, अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा देते थे तो भाई और मज़ा आ जाता। तो चलिए आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है, और भाई गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको ट्रिप है ट्रिप भी आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं भाई। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिल जाता है, किलोमीटर रेंज देखने को मिल जाता है। और भाई कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब पूछे ही मत। न्यूट्रल का भी आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिलता है, और देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल की, मैंने बाइक न्यूट्रल कर दी तो न्यूट्रल की लाइट जल गई है। और इस 2022 में जो इसका अपडेट किया गया है ना वो सबसे जो है वो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, तो देख सकते हैं यहाँ पे साइड स्टैंड लगा हुआ है। और न्यूट्रल में तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही अगर गियर में है तो बाइक जो है वो अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो स्विचेस की क्वालिटी देख सकते हैं, स्विचेस की क्वालिटी भी डिसेंट है। और यहाँ पर आपको भाई इंजन किल स्विच और स्टार्ट का भी एक ही में ऑप्शन मिलता है, और भाई एकदम साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया, भाई बाइक कब स्टार्ट हो जाती है पता भी नहीं चलता है। और आप मिरर्स देख सकते हैं भाई, मिरर्स भी काफ़ी अच्छे मतलब विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं आपको चलते टाइम। तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ भाई बाइक को, और आ जाते हैं भाई सीट की तरफ। तो सीट भाई काफ़ी कुशनड है, मतलब आप देख सकते हैं, और काफ़ी भाई वाइड भी है। अगर आप भाई फैमिली को भी ले कर बैठा कर चलते हैं तो एकदम आप कम्फर्टेबल होने वाले हैं। और भाई
125 cc में, मैं इसको मानता हूँ कि भाई ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है भाई कम्यूटर सेगमेंट में। और तो चलिए नीचे आ जाते हैं भाई। इसके इंजन जो मेन इसका पार्ट है भाई, इंजन जो मतलब इसका जो जो सबसे कहते हैं ना होंडा का इंजन भाई, तो उसकी बात कर लेते हैं भाई। इसमें आपको 124 cc का 4-stroke 5-speed गियर बॉक्स के साथ एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 10.8 PS पावर 7500 RPM पे, और 10.9 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है इसमें 6000 RPM पे जो ये प्रोड्यूस करता है। तो पावर फिगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है भाई। अगर अगर इसका पावर टू वेट रेशियो देखा जाए ना पर्सनली, तो इसका इसका मैं आपको कर्व वेट बता दूँ तो सिर्फ 118 किलो की बाइक है भाई, मतलब इतनी लाइट। तो सिटी में अगर आप चलते हैं ना तो एकदम मतलब ईजी है, फ्लिकेबल है, और पावर टू वेट रेशियो भाई कमाल का है इस बाइक का। और रियर में आ जाते हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सस्पेंशंस मिलते हैं, वहीं पे टायर्स हैं भाई TVS के 80/100 के, ब्रेक्स आपको वही ड्रम मिलते हैं। और इस साइड आ जाते हैं भाई, इस साइड में आपको दिखा देता हूँ, आपको एक चेन कवर मिल जाता है। तो भाई काफ़ी मतलब इजी टू मेंटेन है, चेन आपका जल्दी गंदा नहीं होगा, आपको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। तो गाइस चलिए अब इसको राइड करते हैं और बताते हैं कि कैसी ये चल रही है। तो गाइस अभी मैं चला रहा हूँ होंडा शाइन SP125 BS6 मॉडल, लेटेस्ट एकदम जो एडिशन है इसका। और भाई क्या ही मतलब कहा जाए, इतनी रिफाइंड होंडा है तो भाई आपको मतलब प्रीमियम में वो फील होता है आपको, और रिफाइनमेंट इतना ज़्यादा कि पूछिए ही मत। और पावर ओहो, गियर बॉक्स इसका बहुत स्मूथ है भाई, मतलब लिटरली बहुत स्मूथ गियर बॉक्स है। और भाई सबसे भाई बाइक में कोई भी कमी नहीं, आप देख सकते हैं मैं अगर नॉर्मल चल रहा हूँ तो यहाँ इको मोड का इंडिकेशन भी दिखता है, और अगर पावर ये देखिए एक्सेलेरेटर खींचता हूँ तो वो इको मोड का इंडिकेशन वो ऑफ हो जाता है। और सिटी में भाई मनूवर करने के लिए ना मतलब क्या ही बोला जाए, ये देखिए इतना परफेक्टली ये मनूवर होती है ना। और भाई ट्रैफिक जाम तो बनारस में पूछिए ही मत, मतलब इसमें इसको तो आप भाई फिल्टर कर ही नहीं सकते हैं भाई। ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं भाई, काफ़ी अच्छे बाइक प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना वो काफ़ी अच्छा है भाई। ये देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ और कितनी मस्त मतलब भाग रही है, ये देख रहे हैं ट्रैफिक में फिल्टर करना इसको कितना अच्छा है। ब्रेकिंग भी उतनी भाई, होंडा हमेशा ना एक आपको बैलेंस्ड बाइक देता है, मतलब जितनी पावर होती है उस हिसाब से ब्रेकिंग भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक में पावर दे दी गई है और ब्रेकिंग नहीं है, नहीं सब चीज़ मतलब इक्वल बराबर रहता है। और इसकी अगर सीटिंग पोस्चर की मैं बात करूँ, मैं एकदम कम्फर्टेबल हूँ इसके सीटिंग पोस्चर से, एकदम मैं अपराइट बैठा हूँ, एकदम कम्फर्टेबल। अगर मैं इससे हाईवे राइड भी करता हूँ ना तो मुझे एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली मैं कर सकता हूँ। तो गाइस चलिए इसका एक गियर चैलेंज भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास ओपन रोड तो नहीं है, देख सकते इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, फिर भी 2-3 गियर तक तो ट्राई करते हैं। ये लगा दिया भाई मैंने फर्स्ट गियर और मैं रोक लेता हूँ, और भाई ये बाइक की 0 तो चलिए। थर्ड गियर में भाई 81 तक चली जा रही है आराम से, और इसकी अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये फिफ्थ गियर में लगभग आराम से 110 किलोमीटर की स्पीड जो अचीव कर लेती है भाई। अब काफ़ी लोग इसमें कहेंगे कि भाई मैंने 115 भगाई 120 भगाई, जी हाँ भाई वो डिपेंड करता है कि भाई टॉप स्पीड में आपका बॉडी वेट कितना है भाई, विंड ब्लास्ट कितना है, टायर में एयर प्रेशर कितना है, तो इस काफ़ी चीज़ में डिपेंड करता है। मैंने एक बेसिक जो बताई जो ये आराम से अचीव कर सकती है। और गाइस अगर मैं इसकी क्रूजिंग स्पीड की बात करूं तो भाई 125 cc में यही एक ऐसी बाइक है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस पर आप 70-80 के स्पीड में आप आराम से क्रूजिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी वाइब्रेशन कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। बस ये है कि आपको जो है रियर टायर जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, नहीं तो बाकी बाइक में जो कोई भी कमी नहीं है। तो गाइज सबसे जो मेन चीज़ है इसकी अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो आपको करीब करीब
106,000 की ये ऑन रोड वाराणसी बाई प्राइस जो है वो डिफर कर सकता है अलग अलग सिटीज़ में, लेकिन जो ये डिस्क वेरिएंट की जो एकदम टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस आपको 106,000 के करीब पड़ जाती है, और ड्रम वेरिएंट की 104,000 से 105,000 के बीच में। तो भाई अगर प्राइस को देखते हुए इस बाइक को देखा जाए ना, तो भाई मैं अभी भी कहूँगा कि ये बेस्ट है 125cc बाइक में। अगर आपको ऑफिस जाना है या फैमिली को बैठा के आप ट्रैवल करते हैं या थोड़ा सा आपको स्पोर्टी लुक चाहिए, तो भाई हर चीज़ है भाई ये बाइक में। भाई वाइब्रेशन इसमें ना एकदम लास्ट में आता है, जब एकदम आप 90% थ्रॉटल खोल देते हैं तब जाके हल्का सा आपको वाइब्रेशन महसूस होता है, वो भी हल्का सा हैंडल बार पे, फुट पैक्स पे कोई वाइब्रेशन आपको नहीं देखने को मिलते हैं। और गाइस अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो मेरी जो हाइट है वो 5'8" है, तो मेरे जो दोनों पैर वो ज़मीन पे एकदम आराम से आ जाते हैं, तो कोई भाई शॉर्ट राइडर भी है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाइक इतनी हल्की है कि भाई आपको हाथ पे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।